अब्राहम वॉज लुकिंग फॉर द नीव, एक नीव को, फाउंडेशन को वो देख रहा था। ये फाउंडेशन क्या है? हम क्या करते हैं, हम अपना फाउंडेशन बना लेते हैं। अपना फाउंडेशन बनाने के बाद, भाई ये लड़की मेरे को अच्छी लगती है, मैं शादी करना चाहता हूँ, खुदा तू इंतजाम कर दे। ये मेरा बच्चा है, इसकी मैं शादी नौकरी लगाना चाहता हूँ, ये नौकरी अच्छी है, इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तू कर दे। मैं मकान बनाना चाह रहा हूँ, तू बना दे। मैं ये करना चाह रहा हूँ, तू कर दे। यानी वी मेक फाउंडेशन फर्स्ट, देन वी अप्रोच गॉड। हम अपना फाउंडेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर को अपन अप्रोच करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया, ये पहले फाउंडेशन स्थिर किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की, यीशु सहाय। आइए हम उसके वचन के अध्ययन में जाने से पहले एक गीत सुनेंगे, और इस गीत के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये गीत निरंकार ने खुद लिखा है, ट्यून बनाया है और गाया भी है। इस गाने का बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब प्राप्त हुआ है। ये गीत का मेन थीम, जो उद्देश्य इसका है, यरमियाह की पत्री उसका 12वां अध्याय के उसके पहले एक दो वचनों को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जो तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब इसमें यह है कि हम अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाना है, हम अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। ये कैसे है कि मैं बताता हूं, ये ऐसा कहिए कि टू ओबे इज बेटर देन ए सैक्रिफाइस। हम अब्राहम के बारे में भी हम कुछ विचार करेंगे। अब्राहम ने कैसे अपने लड़के को दिया, बलिदान दिया, और कैसे प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए देकर उसे बलि चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया। यही उसके क्रिसमस का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। तो इसका मतलब, मेन मतलब यह है कि जब तक वो मेरे दिल में ना आए, तब तक यीशु मसीह के पैदा होने का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता है। और इसी भाव को लेकर और इसी अध्याय के और भी वचन को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये 12वें अध्याय के ही अपन देखिए, इसमें 12वें वचन में कहता है, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इन वचनों को लेकर निरंकार ने यह गाना बनाया है। और इसमें यह है कि यीशु, तू मेरे साथ रहना, मैं जहां भी जाऊं तू मेरे साथ रहना, और तेरे से ही मेरा जीवन है। तू नहीं है तो मेरा जीवन कुछ है ही नहीं। सच बात है यीशु, तू नहीं, यहां यदि तू पैदा नहीं हुआ तो मेरे लिए कुछ है भी नहीं है। और तेरे से ही जीवन मेरा है, तेरे से ही जीवन मैं पाऊंगा। तू है तो मैं हूं, तू नहीं है तो मैं नहीं हूं। ये भाव है, मतलब तेरे साथ रहूंगा, तू मुझ में है तो मैं जिंदा हूं, तू मुझ में नहीं है तो जिंदा रहने का कोई मेरा मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब तू मुझ में है तो मुझे अनंत जीवन प्राप्त होता है। इसी भाव को लेकर हम इस गीत को सुनेंगे, और उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। पाऊं मेरा
तुझको मैं सदा, आसा में मुझको आनंदित बना, प्रार्थना में पाऊँ तुझको मैं सदा, आसा में मुझको आनंदित बना, क्लेशों में भी मैं स्थिर रहूं, अपना मंदिर तो मुझको बना, तुझ बिन मैं तो जी न पाऊं, रहूं भी तो तेरे संग में रहूं, पाऊं जो भी मैं तुझ में पाऊं, तेरे से ही हो जीवन ये मेरा। मैं इस क्रिसमस के संदेश के रूप में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं सोचा कि ये चरवाहे, ये सितारा और ये आगे आगे जाके कैसे ये ज्ञानियों ने क्या क्या भेंट दिया, कैसे उसने मंदिर पर अपने आप को समर्पित किया, कैसे वो लेडी विधवा जो है वहाँ पर रहकर उस द्वार पर बैठी रही, ये सारी चीज़ें तो हम सुनते रहते पढ़ते रहते हैं। जो भी है, मैं थोड़ा सा अपने विचार को कुछ बदलने की कोशिश करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आप भी सुने होंगे, आप भी प्रचार किए होंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ये क्रिसमस को मनाते हैं, हर बार मनाते हैं। जितने साल मेरी आई हो गई, मेरे ख्याल से जब से मैंने होश में आया उतने साल से गिनो तो हर साल क्रिसमस मनाते रहे। इस बार तो कुछ उटपुटांगी है क्योंकि कोविड वगैरह के कारण जो है हमारे चर्च में आना जाना बंद है, जो भी अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम मनाते हैं, ठीक है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ और ये मनाओ आप। लेकिन यदि यीशु मसीह यहाँ दिल में हमारे पैदा नहीं हुआ ना तो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे घर में यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ ना तो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्रिसमस क्या है? क्रिसमस यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी हम मनाते हैं। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पुराने नियम में लेकर चलना चाहता हूँ और उस पुराने नियम को लेकर अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके बारे में अब्राहम के बारे में हम सबको मालूम है और सबको बहुत अच्छा लगता है। अब्राहम जी से भी बात किया हूँ, अब्राहम अरे बाप रे बहुत मज़ा आ जाता है उसकी स्टोरी सुनने में। और सच बात है उसकी जो जीवनी है उसके बारे में अपन सुनेंगे ना, उसका विश्वास है, उसका चरित्र है, उसकी जो कहानी बोलिए, घटना बोलिए, फिनोमिन जो भी है, ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्प्रेसिव रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और उसकी स्टोरी बुक्स भी आप पढ़ेंगे, बच्चे लोग का जो दिया है ना चित्र बना के देते हैं उसमें भी बहुत अच्छा, उसके इसहाक के बलिदान के बारे में बहुत ही अच्छा बताया है। ये देखिए कि इब्राहिम को 75 साल में बुलाया। अब 75 साल के पहले क्या हुआ उसको के 75 साल में बुलाया, धनवान था, संपत्ति थी, इसकी सब गाय बैल जो जानवर उनवर सब थे, दास दासियां सब थी, बहुत ही अच्छा था। लेकिन प्रभु ने इसको बोला कि तू चल, कहाँ वो मत पूछ, तू चल मेरे साथ। चला, कहाँ ले गया? अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवारों को, अपने खेती को, अपने बाड़ी को, अपने धन दंपत्ति को, दौलत को, सब को छोड़ते हुए तू मेरे पीछे आ जा, और वो पीछे चले गया। ये तो मैं आप सबको मालूम है, जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू, ये सब देखिए। और उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने इसको 17 जगह, मेरे ख्याल से यदि मैं गलत नहीं हूँ, 17 जगह घुमाया, जिसमें से अलग अलग चीज़ें जो अपने देश के मैं अभी नाम सब बदल गए हैं, इसके नाम को यदि बोलना चाहूँ तो इराक गया, सीरिया गया, इजिप्ट गया, उसके बाद बहुत से ये जगह जो है ये सब घुमा, उसने घुमाए इस पर। और करीब करीब शायद इसके ऊपर बहुत बड़े परीक्षाएं जो हैं, करीब बोलते हैं कि 9 ब्लेम्स इसके ऊपर लगे थे, बहुत सीरियस जैसा भी है। लेकिन अब्राहम जो है, अब्राहम है विश्वासियों का पिता है। और इसको कैसे 100 साल का ये था, 90 साल की वाइफ थी, और उस समय इसको परमेश्वर ने एक संतान दिया, और वो भी कैसे उस बुढ़ापे में जब हो नहीं सकता ये हुआ।
और ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं कि कैसे सारा किस प्रकार से सही होगी वो सब स्थिति को, कितनी शर्म की बात होगी उसके लिए कि इतने बुढ़ापे में तू आ रहे, वो हॉस्पिटल जाए या कोई गए तो लोग पूछते होंगे कि क्या हो गया भाई, तेरे पेट में ट्यूमर हो गया है क्या, क्योंकि ये तो एज प्रेगनेंसी का है नहीं, लेकिन कैसे कर रहे हो नहीं मालूम, लेकिन है क्या है तो परमेश्वर का दान, परमेश्वर की आशीष मेरे अंदर में है, एक बहुत बड़ा आशीष पद दिया कि तेरे से एक पीढ़ी, एक पूरी जनता, पूरा एक वंश पैदा करूंगा करके बोलता है। ये देखें यहाँ पर भी हुआ, खुदा उसके साथ में था। एक बार मैं आपको बताऊं, इब्रानियों का खत मैं पढ़ के थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए आपको लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों का खत 11 अध्याय 10वां वचन। इस नींव वाले नगर की बाट जोहता था, एक नींव को देखता था, पुराने नियम में इसको नहीं दिया है, नए नियम में ऐसा बयान किया है। और इब्रानियों का खत 11वें अध्याय में विश्वासियों के बारे में जो बताया उसमें सबसे ज्यादा यदि वर्णन किया है तो अब्राहम के बारे में उसने वर्णन किया है। अब्राहम वॉज लुकिंग फॉर द नीव, एक नीव को, फाउंडेशन को वो देख रहा था। ये फाउंडेशन क्या है, हम क्या करते हैं, हम अपना फाउंडेशन बना लेते हैं, अपना फाउंडेशन बनाने के बाद भाई ये लड़की मेरे को अच्छी लगती है, मैं शादी करना चाहता हूँ, खुदा तू इंतजाम कर दे, ये मेरा बच्चा है इसकी मैं शादी नौकरी लगाना चाहता हूँ, ये नौकरी अच्छी है इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ तू कर दे, मैं मकान बनाना चाह रहा हूँ तू बना दे, मैं ये करना चाह रहा हूँ तू कर दे। यानी वी मेक फाउंडेशन फर्स्ट देन वी अप्रोच गॉड, हम अपना फाउंडेशन बना लेते हैं फिर उसके बाद परमेश्वर को अपन अप्रोच करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया, ये पहले फाउंडेशन स्थिर किया, नीव स्थिर नीव वाले नगर की बाट जो होता था, किसकी बाट जो होता था, स्थिर नीव वाले नगर की बाट जो होता था। हमारे अंदर बहुत बड़ा सबक है, ये नीव वाली बाट हमको जोखना है, हमको वी शुड आस्क फॉर द फाउंडेशन, हमको उस नींव को बनाने के लिए खुदा से हमें मांगना है कि ये नींव तू बना, वो नींव हमें तू दिखा, तब उसमें हम आगे जा सकते हैं। अब्राहम जो है इसहाक को बलि देना है, इसको अब्राहम को क्या बोलता है, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझसे एक चीज चाहता हूं, और क्या, कि तू लड़के को बलि कर दे। कहां तक जायज है मेरे को नहीं समझ में आता, उसने दिया, इसने मांगा नहीं, उसने दिया और अब देने के बाद अब उस लेने को कर रहा, ठीक है तूने दिया तू लेगा, तेरी संपत्ति सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मतलब विश्वास परखने की भी एक हद होती है। जब ये इसको देखें अब्राहम जो मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए आई वॉन्ट टू बी अटॉर्नी, एक वकील अब्राहम की तरफ से बन के मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके ध्यान से आप उसको सुनना, मेरी प्लीडिंग जो है, मैं जो आर्गूमेंट देता हूँ, मैं होगा को खुदावन ये तो मैं ये मांगा था नहीं, तेरे से मांगा था क्या, बोले नहीं मांगा था, तू इसको जो प्रॉमिस किया ना कि पूरा एक वंश खड़ा करूंगा और सितारे जो हैं ये समुद्र के क्रेत के कण के समान ये हो जाएंगे, पूरी संसार के लिए तू आदि पिता बनेगा, ये सब तू बोला है, बोले हाँ बोला हूं, फिर कैसे तू ले रहा, कैसे करेगा, तो बोले कि मेरी बात को तू मान जी। अरे प्रभु एक काम, एक बात और मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ कि देखो अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, तू बोला घर छोड़, रिश्तेदारी छोड़, संपत्ति छोड़, सब कुछ छोड़, सब छोड़ के अनजान देश में चले गया, उसकी भाई की एक भतीजे को लिया और भतीजे को लेकर चला गया, वो भतीजे भी आखिरी में धोखा दे के छोड़ गया, ये कर गया, इतने सारे जगह पर घुमाया, 17-17 जगह तू घुमाया, कितने बड़े बड़े ब्लेम इसके ऊपर आए, कितनी बड़ी बड़ी आपत्तियां आई, कितना सहा इसने, इतना सहने के बाद भी उस तो अब तो छोड़ दे, ऐसा मत कर खुदा, कुछ दया कर। बोले नहीं, मेरे आदेश का पालन करेगा, ये मेरा विश्वासी पुत्र है, फिर मैं वकील होने के नाते बोलूंगा, देख एक काम कर, इसके पास तेरे को बलि चाहिए ना, इसके पास बहुत से भेड़ बकरियां हैं, अच्छे सा अच्छा भेड़ लाके तुझे बलि देगा। तो परमेश्वर पर बोलता है नहीं, बोले अच्छा भेड़ नहीं चाहिए तेरे को, इसके पास बैल बहुत हैं, कौन सा बैल चाहिए बोल, एक अच्छा से अच्छा जो बोल जितना बोल वो कर देगा बलि। तो बोले नहीं, अरे भाई ये भी नहीं, तो एक काम कर कि
यदि कोई मनुष्य को चाहता है ना, मानव बलिदान चाहता है ना, तो इसके पास बहुत से सेवक हैं, हजारों सेवक हैं, एक से एक हस्त पुष्ट लोग, खाए पिए लोग हैं, उसका बलि कर सकते हैं। खुदा बोलता है नहीं, अरे उतना भी नहीं, तो देखो इसका प्रिय जो एलियाजर है उसको हम बलि कर दे। तो बोले नहीं, बड़ा मुश्किल है। और उसमें क्या, खुदावंत जो बच्चा तूने दिया है उसी बच्चे को ये ले जाकर बलि करे और ये खुद मारे, कहाँ तक जाया जाए। मेरे बाप एक काम कर, ठीक है इस बच्चे को तू ले ले, लेकिन कम से कम ये नहीं, एलियाजर या किसी को भेजते हैं, वो जाके उसको बलि कर देगा, बाप नहीं मार सकता अपने बच्चे को। तो बोले नहीं। अच्छा, तीन दिन का सफर, तीन दिन तक ये उस बच्चे को देखते हुए जा रहा है, देखता है ये बच्चा मरने वाला है, ये बच्चे को मारने वाला हूँ। अरे वो बच्चा नहीं था भाई, मैं पढ़ा हूँ कहीं पर उसको देखे, कम से कम 20-22 साल के बीच का एज का लड़का, जवान था ये। इसको लेके बोला तू अपनी लकड़ी उठा, अपना काठ उठाया, मतलब लकड़ी उठा के जा रहा है, अपने लिए जा रहा है, और जाकर वहाँ पर चढ़ता है और बोलता बलि कहाँ है, तो बोले परमेश्वर इंतजाम करेगा। उसको फिर बांधा, बांधने के बाद लड़का भी कितना ओबीडियंट है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे उसका खून वैसे इसका खून, जैसा परमेश्वर वैसा उसका इकलौता बेटा। याद रखना, कुछ नहीं बोला, लड़के को बोला ठीक है, बांधने के बाद कभी कोई यहां पर उसको अगेंस्ट में कोई रिबल नहीं किया, ना उसने छटपटाया, बैठा, मारने वाला है मारो। अब्राहम कहता होगा इन हाथों से मैंने इस बच्चे को खिलाया, इस बच्चे को उठाया, इस बच्चे को मैं, इसको मारने के लिए तैयार हो गया वो। अब देखिए एक चीज, परमेश्वर का बोलना ये है कि परमेश्वर कहता है ये तेरे चारों तरफ जो लोग हैं ना, ये सारे लोग जो हैं बलि चढ़ाने वाले लोग हैं, अन्य जातियों के लोग हैं, यहाँ पर बलि चढ़ाते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय 42 वचन मैं आपको पढ़ता हूं। देखिए 42 वचन में क्या लिखा हुआ है, हे इसराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझको ही चढ़ाते रहे। 43 में बोलता है तुम मोलेक और तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे। मोलेक और रिफान देवता की पूजा तुम करते थे। मोलेक को बोला है, और मोलेक के बारे में क्या मालूम, लय व्यवस्था उसका 18 और उसके 20वें अध्याय 20वें वचन में भी ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि तुम इसको बलि चढ़ाते हो, इसको पूजते हो करके। ये जो भी इसने कहा इन लोगों के बीच में है। और ये कैसा होता था मालूम, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, मोलेक के बारे में। ये अम्मोनियों का एक देवता है, और इसका क्या है कि इसमें इसके सिर जो है ये ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल का सिर था, और वो हाथ थे ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ ये स्टैचू था, और इसको गर्म करते थे आग लगा के, और गर्म होने के बाद इसके हाथ जो हैं लाल हो जाते थे, और उस लाल हाथ में क्या करते थे मालूम, यहाँ पर ये लोग बच्चों को ले जाकर बलि चढ़ाते थे, और उसको हाथ के ऊपर रखते थे और ड्रम्स और बाजे बजा के हल्ला के साथ बहुत गाते थे। क्यों गाते थे मालूम, ये बच्चे का रोना तड़पने की आवाज ना आए, इस आवाज को दबाने के लिए इनकी आवाज होती थी, और इस तरह से बलिदान चढ़ाते थे, सोचते थे कि इससे उनका देवता जो है खुश हो जाता है। इन लोगों के बीच में मैं ये समझाना चाहता हूं अब्राहम कि बलि क्या होता है। अब्राहम मैं ये साबित करना चाहता हूं कि तेरे अंदर में विश्वास क्या है, और परमेश्वर पर विश्वास करने से क्या प्राप्त होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये क्रिसमस का मतलब क्या है ये मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ। जब मुझ पर वो विश्वास का छाप और उस परमेश्वर के लहू की बूंद का मोहर और वो टीका जब मुझको लग जाता है, तो मेरे अंदर में क्या होता है ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय मैं उस स्थिर नींव की खोज करूँगा, मैं ऐसी हवा में बात नहीं करूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है। मैं देखिए ये बताऊं मैं आपको, ये लड़के को तीन दिन लेके लड़के को देखता रहा, सोचता रहा, कितनी कठिन बात है, कम से कम तुरंत बोलता मार देता तो खत्म हो जाता कहानी किस्सा,
लेकिन नहीं, 3 दिन तक तू देख रहा रहा, तू उन 3 दिन तक देखते रहा और सोचते रहा कितने कठिन काम है। लेकिन आखिरी में जब वहां पर पहुंचने के बाद उठाया लड़के को मारने के लिए, परमेश्वर की आवाज आया, रुक जा। हाँ, सच बात है खुदावन, मैं रुक जाऊं, लड़के को नहीं मारना है तो दिया इसको नहीं मारूंगा ना, मेरे को मालूम था कि तू करेगा ऐसा। लेकिन मनुष्य हूं, मेरे अंदर में एक चिंता भी थी, एक अविश्वास भी आता था, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा जीवता परमेश्वर मुझे लेकर कहां से आया। 100 साल तक इसके पीछे चला, 75 साल से, 175 साल में इसकी मृत्यु हुई, 175 साल में ये मेकपिला जो जगह है उसको लिया, वहां पर जहां कि उसकी पत्नी को दफनाया गया था वहां पर अब्राहम को भी दफनाया गया। ये 100 साल तक चला, ये 100 साल तक विश्वास में रहा, 100 साल तक परमेश्वर के साथ था, ये विश्वास है उसके अंदर में। और जब ऐसा विश्वास करता है ना, तो खुदा बहुत अद्भुत तरीके से हमारी सहायता करता है, हमारे इमेजिनेशन से कहीं बढ़कर हमें आशीषें देता है, अद्भुत ढंग से करता है। क्योंकि उसके पैदा होने के पहले ही बोला, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार करके ऐसे यानी डिक्लेयर किया उसके पैदा होने के पहले ही। मैं आपको बताऊं जी कि एक चीज देखना आप, कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा भी नए तरफ लेके जाना चाहता हूँ, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मरियम को आकर स्वर्गदूत ने बताया कि तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र जमेगा, इम्मानुएल उसका नाम रखना, यीशु है, जगत का उद्धार करता होगा, जब उसको बोला गया तो शी माइट हैव बीन थ्रिल्ड, एकदम कप गई होगी, लेकिन फिर उसके अंदर में एक बात आई होगी, मैं कुंवारी हूं, गर्भवती करके कैसे डिक्लेयर करूंगी। वो बुढ़ी है, 90 साल में गर्भवती हुई, कैसे शर्म सही होगी, कैसे लोग क्या क्या ताने कसते होंगे, कैसे होता होगा, तेरे को ट्यूमर हो गया क्या, तेरा पेट क्यों बढ़ गया है, तू तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, संतान हो नहीं सकता, तेरी उम्र कितनी है, 90 साल है, 90 साल में तू कहाँ से करेगी। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट, कोई भी मेडिकल साइंस, कोई भी डॉक्टर, कोई भी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक, कोई नहीं बोल सकता कि तू बच्चा जनेगी, तू गर्भवती हो सकती है, लेकिन ये शर्म के मारे वो कितनी सही होगी। यहां मरियम देखे, कुमारी गर्भवती हो गई, गर्भवती कैसे हुई होगी, लोग क्या बोलते होंगे, कैसे करते होंगे, ये हमको मालूम है, क्या क्या सही होगी, कैसे की होगी, लेकिन मरियम जो है अपने विश्वास में बनी रही और बनी रही, क्या बोली कि ये जो परमेश्वर का है, इस संतान है, इसको मुझे रखना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह और इसहाक ये दोनों जो हैं पैदा होने के पहले ही इनको बता दिया गया था, ये बता दिया गया इनका नाम कि ये पैदा होने वाले हैं। जैसे जेनेसिस उसको उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके 19वें वचन पढ़ता हूँ, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। जेनेसिस उत्पत्ति 17 और 19 मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। और उसी को देखिए, उसी के रिलेशन में यदि मत्ती 1 और 21 में देखेंगे, वो लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक जो है अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, कहे इसहाक जो है अपनी लकड़ी, अपने उस बलि के उस बेदी के लकड़ी को अपने कंधे पे रख के ढो के चलता है, मोरिया के उस पहाड़ पर लेके चलता है। यहाँ पर यीशु मसीह उस लकड़ी को, उस क्रूस को, उस वजन को अपने कंधे पर लेके 7 मन शायद उस वजन को लेकर उतने ही ऊपर चढ़ता है, गुलगोता के लिए जाता है, वहां पर उसकी सलीब पर उसको चढ़ाया जाता है, अपनी लकड़ी लेके वो चला, अपनी लकड़ी लेके ही चला, ये दोनों में ये भी सिमिलियरिटी है। और देखिए, 3 दिन तक ये मोरिया पहाड़ पे जाता है, लड़के को देख रहा है, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को 30 साल तक देखता रहा कि अब ये मरने वाला है, 30.5 हो गया, 30 साल तक देखता रहा, अब मरने वाला है, इसको मारने वाला हूँ, मैं मारूंगा, कोई दुनिया में मार नहीं सकता यीशु मसीह को, वो खुदा जो है परमेश्वर स्वयं ही उसको कहा, और ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, इसको कौन मार सकता है, ये खुद बोलता है, मैं अपनी आत्मा
तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, छोड़ता हूँ। भूरा हुआ, भूरा करके जाता है। ये देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह, ये पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ? मेरे उद्धार के लिए। किस लिए पैदा हुआ? मुझे बचाने के लिए। किस लिए पैदा हुआ? जगत को बचाने के लिए। किस लिए पैदा हुआ? जगत में उद्धार लाने के लिए, पापियों को ऊपर दया दिखाने के लिए, पापियों को उनके मार्ग से हटाने के लिए, जो कोई विश्वास करेगा उसको स्वर्ग राज में ले जाने के लिए। कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। 3 दिन तक किसने देखा? 30 साल तक किसने देखा? ये भी सिमिलियरिटी है। दोनों अपने अपनी लकड़ी उठा के ले गए, ये भी एक सिमिलियरिटी है। दोनों को देखिए जीवन में। यहाँ पर ये साग को बरी कर देता है, कितनी खुशी हुई होगी। जल्दी जल्दी उठता होगा, कहीं परमेश्वर का हृदय बदल ना जाए, कहीं उसके आदेश को ही रिवर्स ना हो जाए करके जल्दी जल्दी खोल दिया होगा, जल्दी जल्दी उठा होगा, जल्दी निकल के आ गया, पीछे भेड़ है, जल्दी से ला उसको पकड़ो और मारो। परमेश्वर इस साग को छुड़ाया। अब्राहम को क्या बोला होगा मालूम? मैं सोचता हूं कि अब्राहम तू मेरा बेटा है, अब्राहम इसीलिए मैंने तुझको चुना है, अब्राहम तू पिता कहलाएगा, यू विल बी कॉल्ड फादर ऑफ नेशंस करके बोलता है, पूरी प्रजाति का पिता कहलाएगा, विश्वासियों का पिता कहलाएगा। अब्राहम तू क्या बलि देगा यार? मैं देता हूं, तेरे लड़के को हटा, मैं अपने लड़के को भेजता हूं, तो अपने लड़के को भरी कर इस मेमने को ले जो मेरा लड़का है, ये जाएगा सलीब पर जाके, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये आवाज देगा। उस लड़के को मैं भेजता हूं, वो क्या लड़का है? वो मेरा स्वयं एक रूप है, मैं पिता हूं, वो पुत्र है और पवित्र आत्मा एक है, त्रिएक परमेश्वर हम है। ये मेरा लड़का जाएगा, ये काम को पूरा करेगा, ये है ये जीव। उसके बाद जब उसने पूरा हुआ, ये तो यहां से जी के उठ गया, यीशु मसीह कब्र से जीवित होके उठ गया। वो रिजरेक्शन यदि नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता, आपसे बातें नहीं करता। यदि उस पुनरुत्थान नहीं होता तो हम मसीह कहलाने के क्लेश कहना नहीं सकते, हिम्मत नहीं करते, खुद को बोलते भी नहीं। लेकिन वो जीव उठा, इसलिए मेरे अंदर में या तुम्हारे अंदर में, हमारे अंदर में एक विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके, क्योंकि मृत्युंजय है और सलीब पर मेरे लिए तुम्हारे लिए उसने विनती किया है। याद रखना, यीशु जब तक तू है तब तक मैं हूं, जब तू यहां पैदा होगा वो मेरे लिए, हम क्या बोलते हैं, बड़ा दिन होगा, क्रिसमस होगा, क्रिस्ट का जन्म होगा मेरे हृदय में, वो मेरे लिए बड़ा दिन है। और यदि आज तक तुम्हारे अंदर में, हमारे अंदर में यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ तो आपको मुझको क्रिसमस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। वी आर नॉट वर्दी टू सेलिब्रेट क्रिसमस, हम नहीं हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर में पैदा होना है। यीशु तू मेरे साथ रहेगा ना तो मैं जी के आनंदित रहूंगा, और उसके बाद भी मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि ये मृत्यु कुछ नहीं है। मृत्यु तेरा डंक कहाँ? प्रभु तेरे पुत्र ने, यीशु मसीह ने सलीब पर उस शैतान को, उस मृत्यु को हरा दिया है और जी उठा है, और वो जीवन जो है मेरे अंदर में है, वही मेरा बाप है, उसी पर मैं विश्वास करता हूँ। और जब तक तू नहीं रहेगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, और तू रहेगा तो मैं मर नहीं सकता। यदि मर भी गया तो तेरे पास ही रहूंगा, मतलब अनंत मृत्यु नहीं है, अनंत जीवन मेरे पास रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा तो मैं जी पाऊंगा और प्रार्थना में रहूंगा, आनंदित रहूंगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि निरंतर प्रार्थना में रहो ना, और नित्य प्रार्थना करते रहो, आनंदित रहो, अपने आप को बलि के रूप में चढ़ाओ, पूरे तरीके से पूरा देना है, संसार के सदस्य मत बनो और एक हट के रहो, हट के हमारा जीवन बिताना है, और वचन से मुझे स्थिर कर
और मुझे चला तेरी सेवा जिंदगी भर कर, दुआ करें कि तेरी सेवा जिंदगी भर करते रहूं। गीत हम सुनेंगे, निरंकार गाएगा कि तेरी सेवा जिंदगी भर करते रहूं, संसार के तरफ मैं ना बनूं। कोई ऐसा वीकनेस मेरे अंदर में नहीं आने दे मेरे बाप, तू जानता है मैं क्या हूँ, मेरी औकात को जानता है, मेरे विश्वास को जानता है, मेरे डेडिकेशन को जानता है, मेरे चाहत को जानता है। आज मैं तुझसे दुआ करता हूँ, हम सब जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी सुनते हैं, हम लोग जो हैं खुदा, हम तेरे लहू के रिश्ते से जुड़े हुए लोग हैं, हम में से कोई भी तेरे स्वर्ग में प्रवेश करने से चूक न जाए, ये मेरी तुझसे विनती है, ये हमारी विनती तुझसे है। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, हम संभालते हैं, हम संसार के साथ दुष्ट ना रहें, हम उस संसार में रहते हुए भी हम उठ के अलग से तुझे दिखाने वाले, तुझे देखने वाले और तुझे दिखने वाले हम बन जाएं, और तेरे बिना हम नहीं जी सकते हैं। आइए हम उस गीत को सुनेंगे, और उस गीत को सुनने के बाद निरंकार ने जिस भाई के माध्यम से परमेश्वर को पाया, या मैं कहूँ जिस ब्रदर को परमेश्वर ने निरंकार को बचाने के लिए इस्तेमाल किया, उनका नाम है वीर विक्रम चौधरी जी हैं, जिनकी आशीष से हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। वचन से तू मुझको ये सिखा, तेरी सेवा मैं करूं सर्वदा। वचन से तू मुझको ये सिखा, तेरी सेवा मैं करूं सर्वदा। बिन में तो जी न पाऊं, रहूं भी तो तेरे संग में रहूं, पाऊं जो भी मैं तुझ में पाऊं मेरा ए खुदा। यीशु तू मेरे साथ रहना, जहां भी जाऊं पास रहना, तेरे से ही हो जीवन मेरा। हमारे दयालु परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, तेरे बिना हमारे लिए कुछ नहीं है। खुदावन, ये क्रिसमस हमारे लिए एक आनंदमय क्रिसमस रहे, सचमुच में सही क्रिसमस रहे, और तू हमारे दिल में पैदा हो, हमारे अंदर में पैदा हो, ताकि खुदावन हमारे दिल दिमाग में 24 घंटे 12 महीने और तेरी छाया और तेरा प्रेम में हम सराबोर होके रहें, ताकि दुनिया में रहते हुए भी हम तेरे कहलाएं और इसके बाद भी हम तेरे कहलाएं, तेरे राज में रहें, हम में से हर एक तेरे राज्य में एक दूसरे को देख सकें, ऐसी तेरे कृपा अनुग्रह चाहते हैं। हमारी कलिसियाओं पर, प्रासबानों पर, लोगों पर, सारी चीज़ों पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं, और इन कठिन परिस्थितियों में, इन बीमारियों में, ये सारी परेशानियों में खुदावन हम सब पर तेरी कृपा अनुग्रह तो दिखा, और जितने भी फ्रंट लाइन में होकर काम कर रहे हैं उन पर भी तेरी आशीष को चाहते हैं। हमारे घरों में खुदावन तेरे सही सितारा चमके, ये हमारी तुझसे दुआ है, और आज के लिए फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे आने में समय हो, दिया हुआ जीवन हो, तो ये एक और अवसर दे कि हम बड़े नम्र होकर तेरे पास उपस्थित हो सकें और तेरे आशीषों को प्राप्त कर सकें। सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सुनो कबूल कर, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति हमारी और सारी विश्वासियों के साथ
हमारी प्रियो के साथ और विश्व में जितने भी प्रभु जी दुख विपत्ति और पीड़ा में हैं, उनके साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमेन। सबको जय मसीह।